हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। स्वागत है आपको टेक्कोविल में। यह है एडिक्ट इन ईयर वायरलेस ईयरफोन। बोट और अमेज़ॉन दोनों मिलके ईयरफोन ब्रांड को लॉन्च किया है और इनके एक मेन चीज़ है, वो है एग्रेसिव प्राइसिंग। इस प्राइस के लिए क्या ये वैल्यू फॉर द मनी है? क्योंकि सबको पता है कि बोट एक ऐसी कंपनी है जो क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। तो चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं कि क्या हम इस ईयरफोन से एडिक्टेड बन जाते हैं। अब बॉक्स के पीछे देखेंगे तो कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा, जैसे वायरलेस नेक बैंड विद ब्लूटूथ वर्जन 5.0, 10mm ड्राइवर्स, 8 आवर्स ऑफ प्लेबैक, ड्यूअल पेयरिंग, इजी इंटीग्रेशन कंट्रोल्स और IPX4 वाटर रेसिस्टेंस। तो चलो बॉक्स खोल के देख लेते हैं। तो यह एडिक्ट वायरलेस नेक बैंड, इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या मिलता है। तो इसके अंदर कुछ पेपर्स होंगे और वारंटी कार्ड हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर एक माइक्रो एसबी केबल दिया है और साथ में लार्ज और स्मॉल साइज़ के ईयर टिप्स भी दिया है और साथ में वारंटी कार्ड भी है और मैनुअल भी दिया है। अब बॉक्स को साइड में रखते हैं और ईयरफोन्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अनबॉक्सिंग हो गया। अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस अच्छा था और ये प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ का है। तो अब बात करते हैं इन ईयरफोन्स की डिज़ाइन की। तो ये ईयरफोन नेक बैंड डिज़ाइन का है और वायरलेस ईयरबड्स का एक्सपीरियंस इसमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि बीच में वायर आ जाता है। इसमें एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है। ईयरबड्स की डिज़ाइन की बात करें तो कान में इजीली फिट हो जाता है और साथ में डिफरेंट साइजेस के ईयरमफ्स भी देखने को मिलेगा। अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ इट प्लास्टिक से बना है और फ्लेक्सिबल भी है। इस प्राइस पॉइंट में बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी को लेके। जैसे आप इन ईयरफोन्स को पावर अप करते हैं, इमीडिएटली ब्लूटूथ ऑप्शंस में आपको दिख जाएगा, आप आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पेयरिंग करना भी काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। ब्लूटूथ सेटिंग्स को ओपन करना पड़ेगा और टैप करना पड़ेगा ईयरफोन्स के नाम पर, तो कुछ ही सेकेंड्स पर कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब कनेक्ट करना है तो ब्लूटूथ सेटिंग्स ऑन करना पड़ेगा और ईयरफोन्स को ऑन करते ही ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। मैं कहूँगा साउंड क्वालिटी इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही बढ़िया है। बेस, लो एंड्स, हाइस, मिड्स, सब कुछ बैलेंस्ड है इस ईयरफोन्स में। ओवरऑल साउंड क्वालिटी क्लियर है और म्यूज़िक सुनते वक्त बेस का क्वालिटी भी अच्छी है। अगर वॉल्यूम हाई पर रखता है तो आसपास के साउंड कुछ भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि इसका जो ईयरबड्स है वो कान में अच्छी तरह से फिट हो जाती है। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ को लेके। एडिक्ट ये क्लेम करता है कि 8 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप मिलेगा एक फुल चार्ज में, और मैं इस ईयरफोन्स को और 2-3 दिन तक यूज़ करूँगा और कमेंट सेक्शन में बताऊँगा। अगर ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो एडिक्ट वायरलेस ईयरफोन में ब्लूटूथ वर्जन 5 है। इसका मतलब मल्टीपल डिवाइसेस में इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर माइक्रोफोन की बात करते हैं तो कॉल के दूसरे साइड में साउंड क्वालिटी जो है क्लियर है और बैकग्राउंड नॉइज बहुत ही कम आता है। ओवरऑल देखा जाए तो 1000 रुपीज़ में वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स है। इसमें IPX7 वाटर रेसिस्टेंस है, इजी एक्सेसिबल कंट्रोल्स है और ब्लूटूथ वर्जन 5 भी है। मैं इस वायरलेस नेक बैंड को ज़रूर रेकमेंड करूँगा क्योंकि नेक बैंड का क्वालिटी जो है अच्छी है और ईयरफोन की क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है। और साथ में और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस ईयरफोन्स में कुछ नया और इनोवेशन नहीं है। इट्स अ सेम ओल्ड गुड ईयरफोन्स, वैल्यू फॉर द मनी। तो ये था एडिक्ट वायरलेस नेक बैंड ईयरफोन्स। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।